गाइस ये ऊंट है, सबको पता है ये ऊंट है। यूनिवर्सिटी के कार्ड कहाँ होते हैं यार? होते हैं कार्ड होते हैं, लेकिन घर छोड़ गए इस तरह तो नहीं लगे थे। तो मैंने देखा 20 का 10 का। जहाँ से मैंने व्लॉग खत्म किया था वहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो यार अभी हम जा रहे हैं, अभी हम आए थे हेरिटेज म्यूजियम, तो अभी हम जा रहे हैं मॉन्यूमेंट। तो मॉन्यूमेंट को आपकी सैर कराते हैं। मॉन्यूमेंट आज तक को चाबी बाइक दी, चालू कर ले बाइक। तो यार हमारा पहले जो प्लान था वो यही था कि हम सबसे पहले मॉन्यूमेंट जाएंगे, लेकिन बीच में हमें हेरिटेज म्यूजियम नज़र आया, तो हमने सोचा कि आपको वो भी दिखा दें। हेरिटेज म्यूजियम भी बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया वहाँ पे। अला ब्लॉग था जो इससे पहले, वो आपने देखा, आपने खूब इंजॉय किया होगा उम्मीद है। और जाते जाते जब मैं वहाँ से निकला हेरिटेज म्यूजियम से, तो शाम हो चुकी थी। मैंने फिर सोचा कि बनाऊं कि ना बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, रात के टाइम ही तो असल व्यू वहाँ पे नज़र आएगा। तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का कैसा व्यू है। जिन्होंने देखा है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, और जिन्होंने नहीं देखा, चलिए मैं दिखाता हूँ उन्हें। तो बनिए मेरे साथ, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो चलिए राइट साइड पे रास्ता जाता है, ये जाता है शक्करपुड़िया, और ये जाता है मॉन्यूमेंट लेफ्ट साइड पे। तो हमारा जो इस व्लॉग का जो मकसद है अभी, वो हमने जाना है मॉन्यूमेंट। तो चलिए फिर मैं आपको मॉन्यूमेंट लेकर चलता हूँ। पचास में कहाँ तक लेके जाते हैं वो? आगे एंड तक जाएगा, फिर एंड तक घर तक नहीं लेके जाओगे? क्यों नहीं यार, ऐसे मिलेगा। कहाँ तक जाओगे यार? ऐसे ये कितने पाँच। चलो गुड हो गया फिर, लेकिन हम तो तीन हैं, दो लेंगे। बैठ जाएंगे एक सेंटर में, बैठ जाओगे किस तरह? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आपने हेरिटेज म्यूजियम में देखा था कि वहाँ पे भी हमसे टिकट लिया था, तो यहाँ पे जाते हैं भी टिकट लेते हैं, क्योंकि म्यूजियम कितना रश है यार। दिखाया पहले, पहले दिखाओ। कूल था, स्टूडेंट कार्ड आ गया। यूनिवर्सिटी में हम लोग यूनिवर्सिटी के कार्ड नहीं ना करते ना हम लोग घर में। यूनिवर्सिटी के कार्ड कहाँ होते हैं यार? होते हैं कार्ड होते हैं, लेकिन घर छोड़ गए इस तरह तो नहीं लेके फिरते। चाचू ये बैग पहना हुआ, ये देखो बैग पहना है। यूनिवर्सिटी जाना था तभी हम लेके जाते हैं। हेरिटेज यूनिवर्सिटी में बीबीए कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड सेमेस्टर है। चलो 30 रुपए, तीन बंदों का। हाँ चल दे दे, रुपये में बात डन होगी। बंद होने वाले पैसे नहीं, अभी बंद नहीं होने वाले, चला ले। तो टिकट हम ले चुके, मैंने देखा 20 का 10 का करवा दिया। अबे 10 रुपए की टिकट है ये, देखो 10 की टिकट है, कोई इतना कोई फाड़ भाई जान, फाड़ना ना सर प्लीज। मास्क पहन जहाँ भी जाओ, मास्क जरूर पहनना। तो जी मास्क पहन लिए गए। तो गाइस जी साहब मना करे भाई, सारे पैसे इस व्यू के हैं, आप देख सकते हैं। क्यों करके दिखा रहे हो? ये रास्ता वो दिखा, वो म्यूजियम है यहाँ का, वो भी म्यूजियम है, म्यूजियम वो भी यहाँ का है, लेकिन जो है लेकिन इसकी टाइम की टाइमिंग 6 बजे तक है। है जिंदगी ऐसी जी, तो बचा है जिंदगी है। बाहर से आते हुए मास्क रखिएगा, अंदर आके बेशक उतार दिए गए, पाकिस्तानी की निशानी है। द पाकिस्तान मॉन्यूमेंट is a national monument and heritage museum located on the western Shakarpurnia hills in Pakistan. The monuments were constructed to symbolize the unity of Pakistani peoples. Its elevation makes the monuments visible from across Islamabad, Rawalpindi metropolitan area, and is a popular tourist destination. The four main petals of the monument represent the four provinces of Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh,
While the three smaller petals represent the three terrorists of Gilgit Baltistan, Azad, Jammu, Kashmir and the Tribals areas. The central platform is made in the shape of 5-pointed star which is surrounded by a water body. A metallic crescent surrounding the star is inscribed with saying of the founding father of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, and the poetry of nation poet Allama Muhammad Iqbal. The foundation stone was laid on 25 May 2004, completed in 2006, and inaugurated on 23 March 2007. सर मस्जिद बहुत क्लियर नजर आता है, लेकिन अंधेरे की वजह से ना यहाँ से कुछ साफ क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे मस्जिद के वो उस साइड पे है, पर नज़र मुझे अपनी रियल आंखों से देखेंगे तो आपको नजर आएगी, वैसे आपको नजर नहीं आएगी। फैसल मस्जिद का भी टूर करेंगे हम इंशाल्लाह ज़रूर, तो मैं आपको फैसल मस्जिद भी दिखाऊंगा। जो इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें तो पता, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री है, कराची वगैरह की साइड में रहते हैं, उन्हें इन जगहों के बारे में ज़्यादा नील। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिखाऊं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। मज़े की जगह, मेरा तो दिल कर रहा है यहाँ मैं सो जाऊं। यार अभी अगर मैं यहाँ से नीचे गिरता तो मेरा क्या असर होता। तो भाई अभी मैंने गलती की थी, अभी ये बहुत स्लिपरी सी जगह, तो आप इस जगह पर हैं तो ख्याल रखें इस जगह पर बैठने से पहले। ये था हमारा मॉन्यूमेंट का आज का व्लॉग। तो अगर आपको पसंद आया तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको इस जगह, ये जगह कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।